बैंक घोटाले में दोषी पाए जाने पर कांग्रेस विधायक सुनील केदार की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है, जिसके चलते महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंडे ने इस विषय पर सवाल खड़ा किया है, जहां उन्होंने कहा कि केदार की विधायकी रद्द कर दी गई है। हम कानून का सम्मान करते हैं, किंतु भाजपा विधायकों के लिए अलग न्याय और कांग्रेस के लिए अलग न्याय, ऐसा क्यों? इस बात की चर्चा संसदीय पटल पर होनी चाहिए, अन्यथा यह तानाशाही लोकतंत्र खत्म कर देगी। विधायक सुनील केदार जी की विधायकी जो है वो खत्म कर दी है स्पीकर जी ने। हम कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल तो ये जरूर उठेगा कि विपक्ष के नेताओं के लिए और खासकर कांग्रेस के नेताओं के लिए अलग न्याय और भाजपा के नेताओं के लिए अलग न्याय, ऐसा क्यों? इस प्रक्रिया में सुधार कब आएगा? इसकी चर्चा संसद में और विधानमंडल के पटल पे होनी जरूरी है। जब विक्रम सैनी मुजफ्फरनगर से विधायक है, उन्हें सजा डिक्लेयर हो जाती है लेकिन उन्हें मौका दिया जाता है अपील का, रोक दिया जाता है उनका डिस्क्वालिफिकेशन। यही बात नारायण काछड़िया जी जो है वो सांसद थे गुजरात से, उन्हें 3 साल से ज्यादा की सजा हो गई थी लेकिन उन्हें तो उच्च न्यायालय तक, जब तक उन्होंने डिक्लाइन कर दी उनकी सजा रोकने से, उसके बावजूद भी उन पर कार्रवाई नहीं की गई। तो आज ये मांग है हमारी कि कानून दो नहीं हो सकते, कानून एक ही होना चाहिए और वो विपक्ष के लिए और सत्ता पक्ष के लिए समान होना चाहिए। तो इसकी बात अभी संसद में लाना जरूरी है, नहीं तो ये तानाशाही जो है, ये तानाशाही इस देश का लोकतंत्र खत्म कर देगी।